नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार जो है मैं गांव में जाता हूं, जनता की बात सरकार तक पहुंचाता रहता हूं। लोग हमें देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ रहे हैं। इस वक्त मैं लखनऊ के पीआरडी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कुछ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री चोर के नारे लगा रहे हैं। आप सुन सकते हैं किस तरीके से ये लोग नारा लगा रहे हैं, और प्रशासन और जनता आमने सामने है। ये 69,000 शिक्षक जो हैं वो आमने सामने हो गए हैं। ये डायरेक्ट इनका साफ कहना है कि अब जो है सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे। ये कई दिनों से जो है पानी के टंकी पर जो है खड़े हुए। हाँ बताइए, शिक्षा मंत्री चोर है, चोर होता तो हम लोग के सामने आके हम लोग के सामने से निकल गया। अगर सही होता तो हम लोग के सामने आता, हम लोग की बातें सुनता। चोर है, चोर, शिक्षा मंत्री चोर है। सरकार जो करे योग नहीं है, इस पर क्या करें? क्यों नहीं योग है? योग तो हम लोग क्यों नहीं योग है? स्वयं संगठित योग्य नहीं है, शिक्षा मंत्री स्वयं योग्य नहीं है, शिक्षा मंत्री है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये गुंडे हैं, खुलेआम इस तरीके चौराहे पे दबंगई कर रहे हैं, तो क्या आप लोग गुंडे हैं? बिल्कुल नहीं, अभ्यर्थी हैं। और शिक्षा मंत्री अगर इतने पास से लेकर आए, हम लोगों को जवाब दे, हमारे सवालों का जवाब दे, हम लोग धरना खत्म कर देंगे। क्या वार्ता हुई आपकी शिक्षा मंत्री से? क्या वार्ता कर दिया गया? आप लोग ये काम नहीं कर सकते, सीटें नहीं जोड़ सकते। 1,67,000 पदों में जो भी रिक्त पद उनको जोड़ा जाए। शिक्षा मंत्री का जो कार्यालय है उसे ये लोग घेर रहे हैं चारों तरफ से। जनता जो है, यानी जो 69,000 शिक्षक है, वो जो है कार्यालय के अंदर घुस गए हैं, और मैं इनको कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, और इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंदोलन है, जो ये प्रदर्शन है, ये बताइए कि क्या हुआ? मंत्री जी से क्या बात हुई आपको? मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने सीधे मना कर दिया। बोल रहे कि ये किस मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सीटें नहीं चुननी है। उन्होंने सीधे मना किया। वो ये नहीं जानते कि उनके द्वारा बनाई हुई सारी रणनीति है। और जब उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया है कि 1,37,000 भर्तियों को दो पार्टीशन में भर्ती करना है, तो आप क्यों नहीं 20,000 सीटें जोड़ रहे? 1,37,000 भर्ती पूरी करें। शिक्षा मंत्री पूरी नहीं करेंगे। चाह रहे हैं, केवल अपनी सुना रहे हैं। क्यों नहीं सुनना चाह रहे? पता नहीं हो रहा है।
की हैं। उनके कहने से हम लोग समाजवादी नहीं है, हम लोग सब लोग भगवा पहन के आए, हम लोग योगी जी के साथ हैं, हमेशा समर्थन में है। लेकिन ये शिक्षा मंत्री भाजपा को ले डूबेगा। किस तरीके से संघर्ष करेंगे सर? देखिए सर, आप बताइए कल का क्या, किस तरीके से? सर हम लोग 69 दिन से, आप बताइए आवाज जाएगी, बताइए। हम लोग 69 दिन से अनुनय विनय करके परेशान हो गए, बार बार अनुनय विनय किया जा रहा। योगी जी की जय जयकार, शिक्षा मंत्री सुनो पुकार, 22,000 सीटें जोड़ो इस बार। लेकिन बार बार हम लोग के अनुनय विनय करने पर भी ये बार बार नकार करते जा रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम लोग सब काम करेंगे, चाहे जैसे आर पार की लड़ाई होगी क्या सर? और हमें उनसे ये लखनऊ की धरती कल से देखेगी कि ये शिक्षकों के साथ जो ये अन्याय करते हैं, शिक्षक अपना अभी तक अपना वो संयम दिखा रहे थे, अब वो उनका जुनून और हौसला देखेंगे कि क्या एक शिक्षक क्या कर सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा एक में बंद, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं नई सीटें नहीं जुड़ सकती है, तो 72,825 की 6,000 सीटें 68,500 में 30 कानून के तौर पे जोड़ेंगे। मंत्री जी के पास जवाब नहीं है। कार्यालय के पास आप कब तक रहेंगे? हम तब तक रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। दूसरी चीज मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग टंकी से कूदते हैं हमारी जान जाती है, तो इसमें योगी जी और प्रशासन जिम्मेदार होगा इसका, और कल हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाएंगे टंकी पर। तो ये लोग हैं जो अपनी भर्ती को लेकर लगातार जो है शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और इनका साफ कहना है कि कल की रणभूमि देखी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। पीछे जाए तो ये है, लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने बात बताने की कोशिश की। कैमरा मैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।